परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से और एक बार परमेश्वर का वचन को लेकर आपके सामने खड़े होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। अति शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबको जय मसीह कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में मैं आप लोगों से परमेश्वर का वचन से शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन दो समयों में होंगे, एक गुप्त में होंगे, एक खुले में होंगे। गुप्त में जो है अति शीघ्र ही होंगे, उसके बाद 7 साल के महाक्लेशों के बाद खुले में यीशु मसीह अपने लोगों के साथ स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आएंगे। वो आज मैं प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन के जो गुप्त में जो आगमन है उस विषय के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, आपके दूसरे आगमन में जो गुप्त में और खुले में है, और गुप्त जो आगमन है वो पहले होंगे, उसके लिए हम तैयारी के साथ परमेश्वर आपके उपस्थिति में हैं। प्रभु, उस गुप्त आगमन के विषय में आज बात करना चाहते हैं। आपका पवित्र आत्मा मेरे मुंह से बातें कर, वो इस स्वर्गीय मन्ना टीवी यूट्यूब चैनल के जरिए परमेश्वर का वचनों को सुनने वाले लोगों के लिए सरल रीति से समझने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता कर। शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक पवित्र आत्मा आप हमसे बातें कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसके लिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 10 एवं 11 हम पढ़ेंगे। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन के पहले प्रियो परखने के लिए कई प्रकार की परीक्षा अर्थात विपत्तियां दुनिया में आएंगी। उस विपत्तियों में परमेश्वर का वचन में धीरज रखकर जो प्रभु के दास लोग और विश्वासी लोग दृढ़ रहेंगे वो यीशु मसीह के गुप्त आगमन में उठा लिए जाएंगे। और मेरा कहने के मतलब स्वर्ग में गुप्त आगमन में उठा लिया जाना मामूली बात नहीं। उसके लिए संसार का मोह माया, संसार का महापापों से अलग रहना है, संसार का पापियों से, उनका स्वभाव से, उनका जैसे कार्यों से हम अलग रहना है। उसका मतलब उनसे बात नहीं करना, उनसे उनके साथ व्यवहार नहीं करना, ऐसा नहीं, उनका जैसे काम हमको नहीं करना। हमेशा हमारा मनों में यही विचार होना चाहिए, मेरा यीशु मसीह अति शीघ्र ही बादलों पर आने वाला है। इसलिए पासवानों, विश्वासी हो, इस संसार में हम रहते हैं, इस दुष्ट संसार में हम रहते हैं, लॉकडाउन के समय में कितना कठिनाई है, काम धाम नहीं, कई प्रकार की आवश्यकता पहले के जैसे पूरी नहीं हो रहे, फिर भी कलीसिया में आराधना नहीं, कलीसिया में हम नहीं जा रहे 3 महीना से, फिर भी प्रिय भाइयों बहनों घरों में बैठकर वचनों को पढ़कर कलीसिया का जूम मीटिंग और कॉन्फ्रेंस मीटिंग इत्यादि मीटिंगों में शामिल होकर अधिक समय में प्रार्थना में रहने वाला प्रियो
वास्तव में परमेश्वर आपको लेने के लिए आ रहा है। वो याद रखना, यहाँ पर आखिरी घड़ी में प्रभु यीशु मसीह का आगमन के पहले, गुप्त आगमन के पहले, पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर परीक्षाएं, विपत्तियां आने वाला है। लेकिन प्रभु कहता है जो वचन में दृढ़ रहेगा उनको परमेश्वर उस समय धीरे देगा और उनको बचाएगा। इसलिए आप उत्साहित हो जाओ, आप वचन पढ़ो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु आपको इस परीक्षाओं में, विपत्तियों में दृढ़ रहने के लिए आपको प्रभु शक्ति देगा और प्रभु आपको बचाएगा। ताकि 11 में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। इसलिए प्यारो, जो कुछ आत्मिक उन्नति आपके पास है, आत्मिक वरदान आपके पास है, उसको व्यवहार करते हुए प्रेम से, हालेलुया, सच्चाई से, वचन से आप आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर यहाँ पर आह्वान दे रहा है। और मैं आपको बता दिया, गुप्त आगमन अति शीघ्र ही होंगे, उसका एक एक लक्षण जो वचन के अनुसार दुनिया में पूरा होते हुए जा रहे हैं, हमारे जमाने में वो पूरा होते जा रहे हैं, मैं बाद में आपको जरूर बताएंगे। वो गुप्त आगमन के बाद 7 साल का महाक्लेश होंगे, उसके बाद खुले में यीशु मसीह पूरे विश्व के लोगों को दिखाते हुए आएंगे। उस समय हर एक लोग जो उनको वेदा है वो भी देखेंगे। लेकिन गुप्त आगमन में केवल वो तुरही की आवाज, केवल वही व्यक्ति सुनेंगे जो प्रभु के लिए तैयारी में है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, 2 लोग एक ही पलंग में सोएंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग खेत में काम करेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। चक्की में कुछ पीसते रहेगा 2 लोग, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। वो पति तैयार है तो पति को ले जाएगा, अगर पत्नी तैयार है तो पत्नी को ले जाएंगे, बच्चे तैयार है तो बच्चों को ले जाएंगे। जो तैयार है, जो पवित्र है, जो अपने जीवन को पवित्रदाई में बना के रखे हैं, वो जरूर चले जाएंगे। लेकिन ये वक्त कब है करके हमको मालूम नहीं है। हम जल्दी से परमेश्वर का वचन की ओर जाएंगे, मत्ती 24 अध्याय में उसका 42वां वचन हम देखेंगे। वहां लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यीशु मसीह कब आएगा करके किसी को भी नहीं मालूम, यीशु मसीह को खुद नहीं मालूम, प्रिय भाइयों बहनों दूतों को नहीं मालूम, केवल पिता को मालूम है। हमको किसी को भी यीशु मसीह का आगमन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, कब आएगा करके वो नहीं बताया है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमको क्या करना है, जागते रहना है, हमको हमेशा प्रार्थना में रहना है, हमको वचनों का मनन में रहना है, हमको झगड़ा में, झंझट में, दूसरों के विरोध में बोलने वाला बुराइयों में, कोई व्रत कार्यों में, ये अंध का दिन, ये अंध का जो समय है, आप बिल्कुल अपने आप को उस कार्यों के लिए बिल्कुल बिजी ना बनाओ। करने वाला करने दो, लेकिन आपको प्रभु का आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। वो लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। मैं जल्दी से जाना चाहता हूँ लूका रेसस माजार 12 में, हम जल्दी से आए। लूका 12:40 में लिखा है, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसका मतलब, प्रिय भाइयों बहनों, हमको बिल्कुल नहीं मालूम, संसार का किसी पासवानों को नहीं मालूम, संसार का विश्वासियों को नहीं मालूम, और यीशु मसीह को खुद नहीं आता, और कोई स्वर्गदूतों को नहीं मालूम, केवल पिता परमेश्वर को मालूम है वो डेट, वो कब आएगा करके जो डेट जो है वो केवल पिता को मालूम है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जो हम सोचते नहीं,
हमको बिल्कुल प्लान नहीं, ये समय में आएगा, उसी समय में यीशु मसीह का आगमन होगा। इसलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए, बहुत हम अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए, हमेशा हम तैयार रहना चाहिए। सुबह, दोपहर में, संध्या में, रात का समय कभी भी प्रभु का आगमन हो सकते हैं। इसलिए उसका 35 में लिखा है, तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। इन दिनों में कमरा के अंदर में अधिक समय बिताने के लिए कोशिश करना है। अगर कमरा में बंदी के रूप में रहे, उनका दिया जलते रहेंगे। आपको मालूम है 10 कुमारियों का विषय में 5 कमरा के अंदर में बैठकर कुपियों में तेल भरते रहे, ताकि दुल्हा का आगमन में वो रात में हो दिन में हो, दिया को जलाना है। निर्बुद्धि लोग दुल्हा का आगमन में गड़बड़ी किया, उनका मशाले जो जलाए लेकिन बुझ गया। मैं आपको बोलना चाहता है, कमरा के अंदर में इन दिनों में आप ज़्यादा समय बैठना है। अगर कमरा के अंदर में बंदी के रूप में रहेंगे, आपका हृदय रूपी दिया जलते रहेंगे। यीशु मसीह आएगा तो फट से आप रूपांतरित होकर इस धरती से, बादलों से होते हुए स्वर्ग जाएगा प्रभु के संग। वो यहाँ पर कई बात है, प्रभु का वचन में लिखा 38 में लिखा है, लूका 12 का 38, यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे धन्य, दास धन्य है। प्रभु अगर दूसरे पहर में, तीसरे पहर में कभी भी आ सकते हैं, कभी भी प्रभु आ सकते हैं। इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पहले वचन का ज्ञान हमको नहीं था, दुनिया को नहीं था। उस समय कई लोग सोचते होंगे, यीशु मसीह ने कहा खेत में 2 लोग काम कर रहे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। कटिया में 2 लोग सोते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। और 2 लोग चक्की में कुछ पीसते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। खेत में जो काम करते हैं अधिकतर 10 बजे के बाद, नहीं तो सुबह जाते हैं, सुबह का समय दोपहर तक ज़्यादा खेत में जाते हैं, वो उसको हम सुबह करके अनुमान कर सकते हैं। चक्की में कुछ जो पीसते हैं, अभी जो मिक्सी आया, कई चीज़ आया, चक्की में हम जाके पीसते हैं। लेकिन पहले गाँवों में आप जानते हैं, उसका नाम मैं नहीं जानता, जो पत्थर का है, दोपहर में भोजन सब खत्म करने के बाद माँ लोग, बहन लोग, हमारे जो पत्नियाँ जो है, ये लोग सब क्या करेंगे, कुछ पीसेंगे, कल कुछ इडली बनाना है, कल और कुछ बनाना है। वो दोपहर का काम है, सोने का काम जो है रात का समय है। क्या यीशु मसीह सुबह आ सकते हैं, दोपहर में आ सकते हैं, रात में आ सकते हैं, यही बातें हैं क्या? नहीं, यीशु मसीह एक ही टाइम आएगा। लेकिन बाद में हमको पता चला, इंडिया में अभी जो है 6 बजे हैं, संध्या समय 6 बजे। कोई राष्ट्र में जैसे सऊदी अरेबिया 2.5 घंटा पहले है, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर अभी 3:30 बजे है, हालेलुया। अमेरिका में अभी रात का समय है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका मतलब सुबह होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह एक ही समय आएगा। अमेरिका में रात है तो इंडिया में दिन है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई राष्ट्र में दोपहर है, वो मेरा कहने के मतलब यीशु मसीह एक ही समय आ रहा है, लेकिन राष्ट्रों का जो टाइम जो है अलग अलग है। किसी देश में सुबह है, किसी देश में दोपहर है, किसी देश में रात में है। वो मेरा कहने के मतलब हम प्रिय भाइयों बहनों, वो कभी भी आ सकते हैं, उनका टाइमिंग हम नहीं जानते, लेकिन तैयार रहना हमारा काम है। प्रेज द लॉर्ड। वो याद रखना, यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। यीशु मसीह का वचन में प्रभु ने कहा, जो यीशु मसीह कभी भी आ जाए, लेकिन प्रभु आने के समय
वो तैयार रहना, वो पांच जो कुवारियां तैयार रहे, कोई भी समय आ जाए, सुबह आ जाए, दोपहर में आ जाए, रात का समय आ जाए, हम प्रभु आपके साथ जाने के लिए तैयार है। ये लॉकडाउन के समय में बहुत तेरे लोग प्रार्थना मीटिंगों में शामिल होकर प्रभु के दासों के साथ आराधना करते हैं, वचनों को सुनते हैं, लेकिन बहुत तेरे लोग गायब हो गया है। मेरा कहने के मतलब, अगर आगे का कुछ महीनों के बाद दिसंबर हो, उसके पहले हो, जब भी ऐसा घटना हो, सितंबर में हो, अगस्त में हो, कभी भी हो, परमेश्वर जानते हैं ये बात, बहुत तेरे लोग जो पुराने लोग गायब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक भविष्यवाणी के तरफ बताना चाहता हूँ, बहुत तेरे नए लोग कलीसियाओं के अंदर में आएंगे, कलीसिया भरेंगे, एक बहुत बड़ी सेवा कलीसियाओं में होने वाला है, हर एक पासवानों को प्रभु यूज करने वाला है। लेकिन याद रखना, उस परमेश्वर का बड़ी कार्यों के बाद कलीसिया में बहुत तेरे लोग आने के कारण सत्ता भी होगा। बहुत तेरे लोग प्रभु के दासों को पकड़ेंगे, प्रभु के भक्तों को पकड़ेंगे, थाने में ले जाएगा, जेलों में भरेंगे। लेकिन प्रभु का आगमन का पहले ये सारी घटनाएं होती रहेगी। वो परमेश्वर का वचन मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। वो याद रखना, यीशु मसीह का गुप्त आगमन हमारा विषय है। गुप्त आगमन में कौन सा डेट में आएगा, किसी को नहीं मालूम। परमेश्वर का वचन मत्ती रे सुषमाचार, उसका 24 अध्याय, उसका 36वां वचन के आधार पर, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रभु का धन्यवाद हो, कई वर्षों के पहले दुनिया में कई जगहों में कई झूठे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया, यीशु मसीह फलाना डेट में आएगा, तैयार रहो। बहुत तेरे लोग वो झूठे भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी सुनकर तैयार रहे। क्या हुआ है प्रिय भाइयों बहनों, वो डेट में यीशु मसीह आया नहीं। आखिरी में वो झूठे भविष्यवक्ता और उनके साथी लोग एक साथ आत्महत्या किया। मैं आपको बोलना चाहता है, यीशु मसीह को खुद नहीं मालूम, स्वर्गदूतों को नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन एक व्यक्ति को मालूम है, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। यीशु मसीह 2000 वर्ष हो गया पिता के दहनी ओर बैठे हैं, लेकिन पिता कब तुमको जाना है तुम्हारे लोगों को लेने के लिए बादलों पर, ये नहीं बताया, ये वक्त तुम्हें बताया। जिस घड़ी में जाना है उस घड़ी में बोलेगा, जाओ अपने लोगों को लाओ। उस समय तुरगी भूकी जाएगी स्वर्गदूतों के द्वारा, उस समय बादलों पर करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ यीशु हमें लेने के लिए आएगा। लेकिन तैयारी में रहना हमारा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले शताब्दी में भी ये डाउट जो है कौन सा समय में आएगा करके चेले लोगों को जानने का बहुत इच्छा हुई। यीशु मसीह से पूछे, यीशु मसीह उस समय क्या बोले, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 9 से नीचे, सॉरी 6वां और 7वां। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। ऐसा आंसर दिया है, हमारा काम नहीं है यीशु मसीह कब आएगा करके, लेकिन हमारा काम यही है, यीशु मसीह कोई भी समय में आ सकते हैं। तैयार जो रहेंगे वो जाएगा। अगर आपका नजदीक जो रेलवे स्टेशन में, अभी गाड़ी नहीं चल रहा, पहले के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, 11:35 में वो ट्रेन आने वाली है, आपको उस ट्रेन से एक दूर यात्रा करना है, आप क्या करते हैं 10:30 तक वहाँ पहुँचते हैं, नहीं तो 11 जरूर पहुँचते हैं, ताकि 11:35 में आप उस गाड़ी में सवार होकर जाना चाहते हैं। लेकिन आप 12 पहुँचेगा तो वो गाड़ी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए प्यारो, यीशु मसीह कब आएगा, पिता परमेश्वर उनको कब भेजेगा हमको स्वर्ग ले जाने के लिए, हमें नहीं पता।
इसलिए ये आखिरी समय है, कभी भी प्रभु आ सकता है। यीशु मसीह इतना बात हमसे जरूर कहा है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे उस समय का वातावरण क्या होगा, उस समय क्या क्या लक्षण, क्या क्या चिन्ह जो है दुनिया में होंगे, ये बात हमसे बताया है। डेट हमको नहीं बताया है, समय हमको नहीं बताया है, यीशु मसीह का आगमन का पहले का वातावरण दुनिया में क्या क्या हलचल चलेंगे, क्या क्या विपत्तियां, क्या क्या घटनाक्रम होंगे, वो यीशु मसीह ने हमें बता दिया है। मैं आपको ले जाना चाहता हूं लूका सुसमाचार उसका 21 अध्याय में हम जल्दी से जाए। लूका 21 अध्याय 21 अध्याय के 7वां वचन हम पहले पढ़ेंगे। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? प्रभु जी ठीक है, डेट मत बताओ, समय मत बताओ, हम लोग तैयार रहेंगे, अभी भी हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस समय का वातावरण क्या होगा, लक्षण क्या होगा, क्या चिन्ह होगा दुनिया में, कम से कम वो बता दीजिए, ताकि हम उन कालों को, समयों को, परिस्थितियों को देखकर हम अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करें। हाँ, उसका 8वां वचन में हम देखते हैं, उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और ये भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। वो कहने के मतलब, बाकी चिन्हों को बोलने के पहले यीशु मसीह ने सबसे इंपॉर्टेंट विषय यह है, बहुत तेरे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक जो है अंत के दिनों में प्रभु का आगमन का जस्ट पहले प्रभु के लोगों को भरमाने के लिए गलत उपदेशों में, भविष्यवाणियों में लोगों को विश्वास करवा के उनको प्रभु यीशु का राज्य में प्रवेश ना होने के लिए कई प्रकार का झूठे काम करेंगे। पर यीशु मसीह महामारी आएगा, अकाल आएगा, भूकंप आएगा, ये सब बाद में इम्पोर्टेंट दिए, सबसे ज्यादा पहले यीशु मसीह का मुंह से यही आया है, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ। पर मेरा कहने के मतलब, कोई दूसरे नाम से नहीं आएगा, यीशु मसीह का नाम बोलकर आएगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, अगर मेरी बात भी प्रभु का वचन के अनुसार नहीं है तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना। अगर मैं जो वचन सुनाता हूँ वो परमेश्वर का वचन के आधार पर है करके आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा है गवाही देने से विश्वास करना, नहीं तो विश्वास नहीं करना। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, कोई भी बात मैं बोलेगा तो परमेश्वर का वचन पहले बोलकर उसका पीछे मैं बोलता हूँ। वो याद रखना, भरमाने वाला आएंगे। बीते समयों में कितने प्रभु का दास लोग, कितने भक्त लोग गिर चुके हैं, अभी भी कई लोगों को मालूम नहीं है वो परमेश्वर का वचन से गिर चुके हैं, उनका सामने से दूर हो गया करके। लेकिन हम प्रभु का वचनों में आगे जाएंगे। 9वां वचन में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम लड़ाइयों और बलवाओं की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। देखो, मैं पहले आपको बोल दिया है, अंत तुरंत नहीं होगा। गुप्त आगमन के बाद 7 साल का महाक्लेश दुनिया में होंगे, फिर उसके बाद हर मगिदोन लड़ाई है, यीशु मसीह और प्रभु के संग जो हम जाएंगे, हम सफेद घोड़ा में स्वर्ग से आएगा, एक भयानक युद्ध होंगे हर मगिदोन पहाड़ के तराई में, और उसके बाद पूरे एंटीक्राइस्ट को, दुनिया का सेना को पराजित करने के बाद बहुत तेरे लोग मर जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, घोड़े का कानपट्टी तक लहू बहेगा, बस बहुत कम लोग उस समय संसार में रहेंगे,
और उसके बाद 1000 साल का राज्य है, 1000 साल का राज्य है, और उसके बाद गोग मगोग लड़ाई है, रूस के साथ साथी लोगों के साथ उस समय लड़ाई होंगे, गोग मागोग मैं बाद में आपको क्रमानुसार बताऊंगा। उसके बाद न्याय होगा, न्याय होने के बाद ये आकाश और पृथ्वी को कागज के समान प्रभु जला देंगे। उसके बाद नया यरूशलेम जो स्वर्ग से आएंगे, वो याद रखना इस दुनिया तुरंत खत्म नहीं होगा। 7 साल महाक्लेश, 1000 साल का राज्य, और ये सब खत्म होने के बाद ही दुनिया को खत्म करेगा। लेकिन यीशु मसीह का जो गुप्त आगमन है वो शीघ्र ही होगा, इसलिए हमको तैयार रहना जरूरी है। जो शीघ्र आगमन में जो यीशु मसीह के साथ बादलों से होते हुए स्वर्ग जाएंगे, वही हमेशा हमेशा यीशु के संग रहेगा। वो मैं ये सारी बातों को क्रमानुसार आपको सिखाएंगे। वो यहां पर एक बात हमें प्रभु ने बताया है, जब तुम लूका 21:9, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबराना ना जाना। आपको मालूम है इंडिया चाइना बॉर्डर में कुछ लोग कहता है वहां पर हमारा जमीन को कब्जा किया है और हमारा प्रशासन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। अभी आज मैंने न्यूज़ देखे, अमेरिका चाइना से लड़ने के लिए अपने युद्ध के जहाज़ों को, प्लेनों को भेजे हैं, और पिछले दिनों में इंडियन सेना और चाइना का सेना दोनों मिलकर बलवा हुआ है, अभी थोड़ा शांत हुआ है। वो मेरा कहने के मतलब, जब तुम लड़ाई हो और बलवों की चर्चा सुनो तो घबराना ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंध ना होगा। हालेलुया। वो मेरा कहने के मतलब क्रमानुसार मैं आपको ये सारी बातों को बताना चाहता हूँ। लूका 21:10 में हम लोग देखते हैं, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा। वास्तव में कोरोना के पहले इंडिया का स्थिति बहुत बुरा हाल था, दिल्ली में विशेष करके, जाति पर जाति, दो जाति आपस में लड़ते हुए कितने लोग मर गया, और उसी के कारण से पूरा देश में उसका असर अभी भी चल रहे हैं। जाति पर जाति अक्सर इंडिया में लड़ते रहते हैं। ये केवल इंडिया की बात नहीं, बीते 1.5 सप्ताह पहले अमेरिका का स्थिति आप देखे हैं, काला लोग और गोरे लोग आपस में लड़े। उस पुलिसकर्मी जो गोरा था, वो काला जो जाति के निग्रो का जो जॉर्ज नामक व्यक्ति को मारने के कारण से पूरा अमेरिका में अग्नि के जैसे लोगों का रोष जो है बढ़ते गया, और उसी कारण से ट्रंप भी जो दुनिया का पुलिस का जो मुख्य व्यक्ति है, वो भी बंकर के अंदर में घुस गया। व्हाइट हाउस के अंदर सामने तक विरोध करने वाले लोग गए हैं। वो काले और गोरे दोनों मिलकर भयंकर लड़ाई हुआ है। आप जानता है इसराइल और हमारे फलिस्तीन कितने वर्षों से लड़ाई कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान और इंडिया हमेशा लड़ाई कर रहे हैं। अभी देखो नेपाल भी थोड़ा सा इंडिया के साथ लड़ाई करने आया कुछ कारण से, और चाइना और पाकिस्तान का, चाइना और इंडिया का जो स्थिति अभी बहुत ये है, बलवा किया है। तो मेरा कहने के मतलब, राज राज से, जाति जाति से लड़ाई जो है दुनिया भर में हो रहा है। ये एक प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन का एक चिन्ह है करके प्रभु ने बताया है, जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं 11 वचन में, और बड़े बड़े भूकंप होंगे। आपको मालूम है बीते समयों से छोटे छोटे जो भूकंप का जो प्रेशर लॉड झटके कई जगहों में, बड़े भूकंप अभी इन दिनों में नहीं आया है, क्रोएशिया में एक बड़ा भूकंप आया पिछले साल के आखिरी समयों में, और उसके बाद इंडिया में कई जो भूचलन हुए हैं, जैसे बस्तर से हमारे चेन्नई तक भूचलन हुए हैं, दिल्ली में कई बार हुआ है। अभी बीते सप्ताह में वैज्ञानिक लोग बोले हैं
एक बहुत बड़ा भूकंप जो है दिल्ली और आसपास का जो राज्य है वहाँ पर आने का संभावना है, नोएडा में बीते दिन में हुआ। वो मेरा कहने के मतलब एक साथ हर प्रकार के विपत्तियाँ जो प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं ये सब एक साथ आते हुए आपने देखा। तूफान, एक लाख करोड़ रुपया का नुकसान जो है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हुआ है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने कहा, उड़ीसा से होते हुए वो पश्चिम बंगाल की ओर चले गए हैं। वो मेरा कहने के मतलब बीच में हमारे मुंबई में तूफान आया लेकिन शांत हो गए, इसलिए इधर तक वो नहीं आए हैं। वो आए दिन में मौसम हम बता नहीं सकते, विचित्र रीति से मौसम, अजीब रीति से आ रहे हैं। जैसे हम कुमाली में दो बार केरल में बाढ़ हुआ है, उसका नुकसान, इस साल में भी बाढ़ आने का संभावना है। वहाँ का मुल्लपेरियार नामक एक डैम कभी भी फट सकते हैं, अगर वो फटने से पानी करीब 40 लाख लोग मर जाएंगे। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के आधा भाग और आलप्पुझा डिस्ट्रिक्ट, कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट सब जो है पानी के नीचे जाएंगे और अरेबियन समुद्र की ओर जाएंगे, कई ऊंचाई तक दलदल भी होंगे। पर मेरे कहने के मतलब कई दुर्घटना, कई घटना जो है ये दुनिया में जो हो रहे वो परमेश्वर का वचन के अनुसार है। और उसके बाद हम 11 में देखते हैं, जगह जगह अकाल। अभी इंडिया का स्थिति बहुत बुरा है, जो टिड्डियों का हमला के कारण मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, गुजरात का स्थिति बहुत बुरा है। और थोड़ा थोड़ा जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया और छत्तीसगढ़ के कुरिया तक टिड्डियाँ आए हैं। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि जो उत्पन्नों को नष्ट कर दिया है। वो मेरा कहने के मतलब ये सब जो है हमारे प्रभु का आगमन का पहले का चिन्ह है करके बाइबल से हमको पता चलेंगे। और उसके बाद 11 में हम देखते हैं, और महामारियां पड़ेगी। कभी भी सपना में भी लोग नहीं सोचे ये कोरोना नामक महामारी आएगा करके। बीते दिसंबर 6 तारीख को चाइना के वुहान शहर से शुरू हुई ये कोरोना आज 210 राष्ट्रों में फैल गया है। जल प्रलय के बाद इतना भयानक विपत्ति कभी भी दुनिया में नहीं आया। महामारी आए हैं यूरोप में आकर, दो तीन राष्ट्रों में आकर निकल जाते हैं, एक राष्ट्र में आकर निकल जाते हैं, लेकिन पूरे दुनिया को जो कब्जा किया, दूध पूरे दुनिया में जो फैला है ये पहली बार है। ये कोरोना है, कोविड-19 है। बाकी देशों में अभी कम होते जा रहे हैं लेकिन इंडिया में डेली 10 से 12 हज़ार लोग इसका शिकार हो रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ये महामारी कब बंद होगा वो परमेश्वर जानता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयारी करें। कभी भी कुछ भी ये दुनिया में होंगे लेकिन हम तैयार रहकर प्रभु की महिमा करना बहुत जरूरी है। वो यहाँ पर कई बातों को परमेश्वर का वचन में जो हम देख रहे हैं दुनिया में, ये सारे चिन्हों को प्रभु दिखा रहा है। और उसके बाद कई बातों को यीशु मसीह ने, आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आप नासा के द्वारा अक्सर, नासा डराते रहते हैं, डराने की बात नहीं, वैज्ञानिक लोग देखते हैं लेकिन पृथ्वी में टकराने का वो अग्नि का जो गोला वो हट कर जाते हैं। वो कई प्रकार की बात जो परमेश्वर का वचन में जो लिखा है, दूसरे आगमन के पहले घटने वाली घटना, ये पूरा भविष्यवाणी हो चुके हैं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, कौन सा घड़ी में कब वो आएगा हम नहीं जानते। हमारा काम है, डेट नहीं बताया, लक्षण बताया है, तैयारी में रहना। दूसरे पहर, तीसरे पहर, दिन में
दोपहर में, सुबह, कभी भी वो आ सकता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो यीशु मसीह का आगमन में जो होने वाली घटनाक्रमों को जो पीछे में आप देख रहे हैं, वो याद रखना, आप तैयारी में रहना जरूरी है। और इसलिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई घटनाएं जैसे लूका रिजस समाचार में हम लोग देखते हैं, सॉरी मत्ती जो है 9 से हमको थोड़ा सा देखना है, मत्ती 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय का 9 से हम थोड़ा सा प्रभु का वचनों को देखेंगे। वहाँ लिखा है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। मैंने आपको थोड़ी देर के पहले बोला, ये कोरोना खत्म होने के बाद कलीसियाएँ खुलेंगे, लेकिन बात यही है अधिकतर अन्य जातियाँ कलीसिया की ओर आएंगे। अभी भी कई लोग प्रभु की ओर आ रहे हैं, लेकिन उस समय में भयानक विरोध होगा, प्रभु के लोगों को पकड़वाएंगे, मारेंगे। क्या बताऊँ, पिछले सप्ताह में उड़ीसा में जो 14 साल का जो लड़का के साथ जो हुआ है, परमेश्वर का वचन में हम लोग देखते हैं 9 में, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। 14 साल का लड़का बीते सप्ताह में उड़ीसा में विरोधी लोग उनको पकड़कर उनका गर्दन काट दिया, और उसके बाद मैं वीडियो देखा हूँ, उनका शरीर का मांस को पीस पीस कर दिया और उसके बाद दफना दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में जो जो बातें लिखा है वो पूरा होते जा रहे हैं। वो यहाँ पर आगे लिखा है, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज सबसे ज़्यादा हर जाति के लोग केवल यीशु मसीह के लोगों से दुश्मनी निकालते हैं और बैर रखते हैं। हर जाति के लोग यीशु मसीह के लोगों को देखते हुए उनको मारना, पीटना और उनको गाली देना, उनको मारपीट करते हुए थाना में ले जाना, जेल में डालना, ये हर आए दिनों में पहले से भी, जब से यीशु मसीह आया, जब से सुसमाचार आया था पहले शताब्दी से, उस समय से लेकर अभी तक ये चल रहे, ये चलेगा, ताकि जीवित परमेश्वर का संदान है प्रभु यीशु मसीह के लोग, उनसे लोग बैर रखेंगे। हालेलुया। पप्रियो, ये सारी बातें जो बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने कह दिया, वो सब जो है पूरा होते जा रहे, लेकिन प्रभु अभी तक क्यों नहीं आ रहे, ये एक बड़ी सवाल है। प्रभु आ रहे, शीघ्र ही आ रहे करके बोल रहे, लेकिन प्रभु क्यों नहीं आ रहे, ये वचन के अनुसार हमको देखना जरूरी है। प्रभु इसलिए नहीं आ रहे, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय का 9 वचन 10 वचन हम जब देखने के समय, प्रभु इस धरती पर नहीं तो बादलों पर क्यों नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर क्लियर कट परमेश्वर ने बताया है। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय का 9 और 10 वचन, वहाँ लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरे धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। वो याद रखना, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरे धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु का आगमन इस घड़ी में हो सकते हैं, लेकिन प्रभु अभी आएगा, कलीसिया का बहुत तेरे लोग छूट जाएगा, पास्टर्स छूट जाएगा, विश्वासीगण छूट जाएगा। इसलिए परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातें करते हैं, प्रभु का आगमन नज़दीक है, कभी भी प्रभु आ सकते हैं, तुम तैयार रहो। लेकिन बहुत तेरे लोग प्रभु का वचन के साथ, वचन के अनुसार तैयार होके बैठे हैं, और बहुत तेरे लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। आपको मालूम है, कोरोना आने के पहले 2019 का आखिरी महीनाओं में, कोरोना आने के पहले दुनिया का स्थिति बहुत बुरा था। हालेलुया, बहुत बुरा था।
पूरा विश्व भर में हम देखा जाएगा तो लोगों का हालेलुया चर्च में जाना बंद हो गया था। बहुत सारे लोग चर्च में कभी कभी जाएंगे, कुछ लोग देरी में जाएगा, कुछ लोग आमीन बोल आशीर्वाद के पहले निकल जाते हैं। कई कई जवान प्रभु का दास लोग वचन सुनाने के समय मोबाइल में खेलते रहेंगे। आप पीछे में वीडियो में आप देखेंगे ये सब सारी घटना है। वो मेरा कहने के मतलब लोगों का भक्ति पूरी तौर से अस्तमय होने वाला सूरज के जैसे डूब गया था। इटली का बात हम देखते हैं, स्पेन का बात, ब्रिटेन का बात, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका का बात, बहुत बुरा हाल था। हमारा बिल्ली ग्राहम दुनिया में प्रसिद्ध प्रभु का दास, 1.5 साल पहले 99 साल में प्रभु ने उसको बुलाया है। वो प्रभु का दास अमेरिका का पूरा स्थिति देखकर इस प्रकार कहे, अगर अमेरिका को प्रभु दंड नहीं देगा तो सोदोम और अमोरा से प्रभु को क्षमा मांगना पड़ेगा। पर मेरा कहने के मतलब ये बोलकर प्रभु का दास 1.5 साल पहले प्रभु के राज्य में चले गए। 1.5 साल के बाद अमेरिका में ये कोरोना से उनका रीढ़ का हड्डी को तोड़ दिया है, अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया है, पूरे विश्व के लोगों को पैसा देने वाला राज्य में सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा कहने के मतलब लाखों लोग खत्म हो गया है। प्रभु का दासों के मुंह से निकलने वाला भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। एक अमेरिका का एक आंटी फोन से हमसे बातें किया है कोरोना के पहले, पास्टर जी चर्च में जाके बैठना मुश्किल है, जो चुन्नी जो है एकदम सामने की ओर कसका कर हम लोग बांधते हैं, क्यों बगल में जो लड़की आकर बैठी है उसका शरीर में कपड़ा नहीं है, शर्म आ रहे। इसी प्रकार पूरी तौर से कलीसिया के लोग गिर गया प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए प्यारो परमेश्वर ने हालेलुया अपना वचन के विरोध में जीने वाला ये मसीहों को प्रेज द लॉर्ड, उनको परमेश्वर अपना वचन के अनुसार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सिखाने के लिए, कई लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए, वापस लाने के लिए, और उनके अंदर में एक डर को लाने के लिए, और वो बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना में लगे रहने के लिए परमेश्वर ने ये कोरोना को अनुमति दिया है। प्रेज द लॉर्ड। पुराना नियम आप पढ़ते आएगा तो समय समय पर लोग पीछे हटने के समय, पाप में डूबने के समय में परमेश्वर मरी को भेजते हैं, टिड्डियों को भेजते हैं, और कई प्रकार की विपत्तियों को भेजते हैं। फिर उन प्रभु के लोगों को पकड़ कर रखा, तब परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को उनका विरोध में भेजे हैं। इसी प्रकार बाइबल पढ़ने वालों को मालूम है, बाइबल पढ़ने वाला कोई नहीं बोलेगा ये कोरोना को शैतान लाए हैं। हालेलुया। कई पास्टर्स प्रचार भी कर रहे हैं कोरोना को शैतान लाया है। दुनिया का नियंत्रण प्रभु के हाथ में है, शैतान कब्जा करके रखा है, लेकिन दुनिया का नियंत्रण सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के हाथ में है। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, मैं जल्दी से कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो दूसरे आगमन के बारे में कई विषयों के बारे में मुझे बताना है, लेकिन पहला पार्ट और दूसरा पार्ट के रूप में मैं इसको आपको चर्चा करना चाहते हैं। और पहला पार्ट जो है यहाँ पर ख़त्म हो रहे, और दूसरा जो पार्ट आप इस पीछे सुनेंगे, तब तक आप सबों को जय मसीह की। हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर दिन के लिए, विशेष करते हुए प्रभु जी यीशु मसीह का दूसरा आगमन। परमेश्वर वो दो समयों में है, पहला प्रभु जी गुप्त में, दूसरा खुले में। इसलिए परमेश्वर गुप्त आगमन का विषय में जो हम चर्चा किए हैं प्रभु जी, विस्तार से आपका पवित्र आत्मा हमें समझाया है। सुनने वाला जो लोग प्रभु जी भयभक्ति के साथ उन वचनों को सुनकर आपकी दूसरे आगमन के लिए इंतजार कर सके प्रभु जी, और प्रभु जी कोई भी ना छूटे, हर एक विश्वासी प्रभु जी तैयारी के साथ बैठे प्रभु जी। प्रभु जी वो आनंद नरक में प्रभु जी कोई भी व्यक्ति ना जाए परमेश्वर। इसलिए मैं प्रार्थना करते हैं इन वचनों को जितने भाई बहन प्रभु के भक्त लोग सुने हैं, उन्हें बड़े
वरखत दे प्रभु और उन्हें एक डर दे प्रभु, प्रभु का आगमन के लिए तैयार रहने के लिए प्रभु जी एक विश्वास दे प्रभु जी, आप वैसा उनके जीवन में कर दिया, धन्यवाद प्रभु जी। दूसरा प्रभु जी पाठ मो भी भाग मो भी हमें आशीर्वाद दे प्रभु जी, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमेन। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, यह सब जो है अतिशीघ्र ही होने वाला है, इसलिए संसारिक मोह माया को छोड़ो, नशा को छोड़ो, दुनियादारी को छोड़ो, कमरा में बैठकर प्रार्थना करो, वचनों को पढ़ो, प्रभु का दूसरा आगमन के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु का इच्छा है तो प्रकाशित वाक्य पुस्तक जो आने वाला घटनाक्रमों को धीरे धीरे मैं आप लोगों को अलग अलग वीडियोस बनाकर भेजना चाहते हैं, इसलिए लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन भी आप दबाना है ताकि इस चैनल को आप प्रेस लॉर्ड सब्सक्राइब करो ताकि नए वीडियो जब जब बनाएंगे आपके पास वचन भेजेंगे। प्रभु का आत्मा मुझे बताया है प्रकाशित वाक्य एक एक प्रेस लॉर्ड वचनों को बताने के लिए बीते दिनों से करीब 25 से ज़्यादा दिन हो गए प्रियो। प्रकाशित वाक्य अभी कलीसिया को मैं सिखा रहे प्रकाशित वाक्य 21 का 8वां जो वचन है वो एक ही वचन जो एक्सप्लेन कर रहा है। तो प्रभु का आत्मा बोला केवल कलीसिया को नहीं, पूरे चैनल के जरिए पूरे विश्व के जो लोग जो हिंदी जानते हैं उनको तो सुनाना है। इसलिए अगले वीडियो में आते समय तक प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे।